शेर के साथ आवाज दूंगा कि रोज तारों की नुमाइश में खलल पड़ता है, रोज तारों की नुमाइश में खलल पड़ता है, चांद पागल है अंधेरे में निकल पड़ता है। रोज तारों की नुमाइश में खलल पड़ता है, चांद पागल है अंधेरे में निकल पड़ता है, और उसकी याद आई है सांसों जरा इश्ता चलो, उसकी याद आई है सांसों जरा इश्ता चलो, धड़कनों से भी इबादत में खलल पड़ता है। हाजरीन, कल मालेगांव में जो अपना अदबी राज कर रहा था और आप जैसे अदब नवाजों के दिलों को जीत रहा था, तो क्यों ना मैं ये चाहूँ कि इतने सच्चे और अच्छे सुनने वालों के बीच मैं इस वक्त शमशेर जहाना गंजवी साहब को आपकी भरपूर तालियों में आवाज दे रहा हूँ आपके रूबरू। बैठे सदरे बावकार निजामत फरमा रहे रईस कुरैशी साहब, कासमी साहब और मेरे बड़े ही करम फरमा अशफाक सिद्दीकी साहब, उनका हुक्म मेरी यहाँ हाजिरी। माइक वाले भाई साहब आप आवाज़ थोड़ा सा बढ़ा दें और इको बढ़ा दें थोड़ा थोड़ा। आइए दोस्तों, मैं एक मतला और दो शेर हाजिर करता हूँ मेरे बड़े भाई दिल खैराबादी साहब और सीनियर शोरा इकराम तशरीफ रखते हैं। आइए मैं बिना किसी तमहीद के एक मतला दो शेर पढ़ता हूँ। मतला पढ़ता हूँ, वो शेर सुनाने के लिए अभी जामई साहब अच्छे अच्छे शेर सुना रहे थे, मैंने भी सोचा कि चार मिसरे पढ़ दूँ, लेकिन मतला पढ़ता हूँ वो शेर सुनाने के लिए बतौर ख़ास मुलाजा करें। थोड़ा सा आवाज़ दो भाई, भाई भाई अशफाक साहब देखिएगा, अगर आपको पसंद आ जाए तो तालियां बजा सकते हैं, अपनी दुआएं मुझ तक पहुँचाइएगा। दिल भाई मतलब हाजिर करता हूं, मुलाजा करें। आइए दूसरा मतला हाजिर करता हूँ, मजा करें। अंधेरी रात में, अंधेरी रात में सज धज के जब निकलता है, हुस्नी मतला बतौर खास मुलाजा करें। अंधेरी रात में सज धज के जब निकलता है, अंधेरी रात में सज धज के जब निकलता है, अंधेरी रात में सज धज के जब निकलता है, शबाब देख कर पागल ये दिल मचलता है, शबाब देख कर पागल ये दिल मचलता है, अंधेरी रात में सज धज के जब निकलता है। मैंने मतला पढ़ा, मुझे समझ में आ गया कि आप लोग क्या सुनना चाहते हैं। आइए चार मिसरे हाजिर करता हूँ दोस्तों। हम मुसलमानों को कैसी कैसी सी साजिशों में बझाया गया है, आइए मैं पेश करता हूँ बतौर खास मुलाजा करें चार मिसरे। अगर लगे कि मैंने सही बात कही है तो अपनी दुआएं मुझ तक पहुँचाइएगा। दिल भाई रोज नए अभियान बनाना छोड़ दो, अगर पसंद आ जाए तो दुआएं चाहूंगा। रोज नए अभियान बनाना छोड़ दो, भारत को उंगली पे नचाना छोड़ दो। मैं मुझे लग रहा था कि आप यही सुनना चाहते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। रोज नए अभियान बनाना छोड़ दो, भारत को उंगली पे नचाना छोड़ दो, रोज नए अभियान बनाना
जाना छोड़ दो, भारत को उंगली पे न जाना छोड़ दो, समझ गए हैं हम तुम्हारी साजिश को, समझ गए हैं हम तुम्हारी साजिश को, मोदी जी अब लंदन जाना छोड़ दो, मोदी जी अब मोदी जी अब लंदन जाना छोड़ दो, समझ गए हैं हम तुम्हारी साजिश को, समझ गए हैं हम तुम्हारी साजिश को, मोदी जी अब लंदन जाना छोड़ दो, मोदी जी अब लंदन जाना छोड़ दो। के पहले साल भी आया था इस सरजमीन पर, बड़ी दुआओं से नवाजा गया था। मैं ऐसे ऐसे कई चार चार मिसरे आपको सुना सकता हूँ, लेकिन मुझे पता है कि ये पढ़े लिखों का इलाका है, यहाँ शेर सुने जाते हैं, तो मैं सोचता हूँ कि एक मतला दो शेर हाजिर करता हूँ गजल के बतौर खास। मजनू बन कर पत्थर खाऊं ऐसे भी हालात नहीं। क्या बात है, क्या आशिक मिजाज लोग होंगे उनके हवाले से पढ़ता हूँ, बतौर खास मुलाजा करें। मजनू बन कर पत्थर खाऊं ऐसे भी हालात नहीं, मजनू बन कर पत्थर खाऊं ऐसे भी हालात नहीं, एक जरा सा दिल टूटा और तो कोई बात नहीं, एक जरा सा दिल टूटा है और तो कोई बात नहीं। जिस शेर को सुनाने के लिए मैंने ये मतले का सहारा लिया है, मैं हाजिर करता हूँ बतौर खास मुलाजा करें। कि सर पर टोपी हाथ में तस्बीह और ज़बान से कहते हैं, सर पर टोपी हाथ में तस्बीह और ज़बान से कहते हैं, और ज़बां से कहते हैं, बूढ़ी माँ का बोझ उठाना मेरे बस की बात नहीं। अरे वाह भाई वाह, बहुत खूब, बहुत खूब शमशेर, बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब। मेरे बस की बात नहीं। एक शेर दोस्तों, कुछ दिनों पहले हम मुसलमानों को पाकिस्तान भगाने की बात की जा रही थी, उसके हवाले से पेश करता हूं। अगर आपके मन की बात हो गई हो तो आपकी दुआएं चाहूंगा, बतौर खास मुलाजा करें। कि कह दे अलल्ले लानी ये कोई आरएसएस के लोगों से, कह दे अलले लानी ये कोई आरएसएस के लोगों से, कह दे अलले लानी ये कोई आरएसएस के लोगों से, मुस्लिम को हाँ
मुस्लिम को भारत से निकाले, मुस्लिम को भारत से निकाले, इतनी तेरी औकात नहीं। अच्छा है, बहुत अच्छा है भाई, वाह वाह वाह, शमशेर जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत खूब बहुत खूब। मैं नरेंद्र मोदी जी के हवाले से चार मिसरे पढ़ता हूँ बतौर खास इशारे में। भाई शमशीर, इनके पास प्यार मोहब्बत वफा इंसानियत खुलूस की वो तलवारें हैं, उसी से काटते हैं ये। जाहिर नहीं कर रहे हैं, हाजिर करता हूँ चार मिसरे। जी अनायत पढ़िए पढ़िए, बहुत अच्छा पढ़ रहे हैं आप, मुबारकबाद। जैसा आपका साथ रहा वैसा मैं पढ़ूंगा। आइए चार मिसरे पेश करता हूँ, अगर आपको पसंद आ जाए तो दुआएं चाहूंगा। वो जालिम नीम की लकड़ी को चंदन ही बताएगा, मैंने ये चार मिसरे उड़ीसा की सरजमीन पे पढ़ा, मुफ्ती हारून साहब जलगांव, उनकी दुआएं मुझे मिली, हाजिर करता हूं राजा करें। वो जालिम नीम की लकड़ी को चंदन ही बताएगा, पड़ेंगे सर पे जब जूते वो लंदन भूल जाएगा। ऐसे नहीं ऐसे नहीं, बहुत अच्छे, बहुत खूब बहुत खूब। थोड़ा सा और थोड़ा सा जोर लगाएं आप लोग, हाजिर करता हूँ मुलाजा करें। वो जालिम नीम की लकड़ी को चंदन ही बताएगा, पड़ेंगे सर पे जब जूते वो लंदन भूल जाएगा। बहुत अच्छे साहब, बहुत खूब। जो दावा कर रहा है मुल्क को खुशहाली रखने का, शर्म से एक दिन मोदी वो अपना मुंह छिपाएगा, शर्म से एक दिन मोदी वो अपना मुंह छिपाएगा, पड़ेंगे सर पे जब जूते वो लंदन भूल जाएगा। चार मिसरे कमलेश तिवारी के हवाले से पढ़ता हूँ। जी पढ़िए। हमारे नबी की शान में गुस्ताखी की थी, बतौर खास सुहेल भाई आपका हूँ, हाजिर करता हूँ मुलाजा करें। अब सर पे कफन बांध के चल क्यों नहीं देते, अब सर पे कफन बांध के चल क्यों नहीं देते, दुश्मन के इरादे को बदल क्यों नहीं देते, अब सर पे कफन बांध के चल क्यों नहीं देते, दुश्मन के इरादे को बदल क्यों नहीं देते, अब चल के मेरे दोस्तों उस जेल के अंदर कमलेश तिवारी को कुचल क्यों नहीं देते, कमलेश तिवारी को कुचल